वन वेलकम टू सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एच पी एस सी सी का प्रीवियस जे ओ वाई टी पेपर जिसका पोस्ट कोड है सिक्स टू सिक्स इस पेपर का पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है उसमें हमने शुरू के सतारह क्वेश्चन डिस्कस किए थे सतारह क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बिड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी एबैक्स एबैक्स में आपका सेट ऑफ बिड्स यूज होते थे डाटा की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एबैक्स का इन्वेंशन ईयर है सिक्सटीन जीरो टू और इसकी इन्वेंशन कंट्री है चाइना एबैक्स इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ये आपकी पहली मैकेनिकल मकैनिकल डिवाइस है और इसमें जो आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ऑप्शन ए में देखा था इनियाक इनियाक आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इनियाक का इन्वेंशन ईयर है 1946 1946 इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इनियाक के फाउंडर है जे प्रिस्पर एकट एंड जॉन मोचली ऑप्शन बी में देखा था एडवैक एडवैक्स एडवैक आपका ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है एडवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसके फाउंडर भी वही है जो इंडैक के फाउंडर हैं जे प्रिस्पर एक्ट एंड जॉन मॉचली एंड इनैक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज द बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट में जो पहला कंप्यूटर आपका बेस्ड है वो आपका एडवैक है और एडवैक में आपके बानी नंबर यूज होते थे लेकिन इंडैक में आपके डेसिमल नंबर यूज होते थे इन दोनों में ये डिफरेंस है ऑप्शन डी में देखा था मार्क वन मार्क वन आप मार्क वन आपका इन्वेंट हुआ था 1944 में और इसके जो इन्वेंटर हैं डेवलपर जो है उनका नाम है हॉवर्ड ए आइकन ये अमेरिका कम अमेरिका से हैं और मार्क वन आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैटिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ जनरेशन एक्सपर्ट सिस्टम का कंसेप्ट फिफ्थ जनरेशन में आया था जो बाकी की जनरेशन है उनके बारे में इसके पिछले लेक्चर में जो पार्ट वन था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था इसलिए यहाँ पर हम इसको नीचे समझेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोपेसर इज रेगुलेटेड बाई कंट्रोल पिन कंट्रोल पिन के द्वारा डाटा की फ्लो एंड टाइमिंग को कंट्रोल किया जाता है जिसको रेगुलेट करता है माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर एंड स्पीकर ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं लेकिन स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है स्कैनर का यूज होता है हार्ड कॉपी के कंटेंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना ट्वेंटी टू विच ऑफ दी फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ग्राफिक प्रोड्यूस करता है वो है आपका प्लॉटर प्लॉटर आपका ऑल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है लेजर प्रिंटर इंक जैट प्रिंटर ये भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है प्लॉटर इज ऑल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और जो ऑप्शन डी में देखा था डॉटमेटिक प्रिंटर यह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये सिर्फ ये डिफ्रेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आपका पेज होता है और जो प्रिंट हेड होता है उसमें आपस में उनका कनेक्शन होता है उसमें हैमर से उसका कनेक्शन होता है और वो बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेज का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता और उसमें नॉइज फ्री होती है हो प्रिंटर और उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो आइदर या फिर लेजर बीम से होगी या फिर इंक के थ्रू होगी या फिर हीट के थ्रू होगी ट्वेंटी थ्री विच पोट कैन ऑल्सो यूज़ टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फायर वायर पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल फायर वायर पोर्ट आपका सबसे डाटा सबसे फास्ट पोर्ट है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर ऑप्शन ए में देखा था सीरियल पोर्ट सीरियल पोर्ट का काम है एक समय पे एक बिट को ट्रांसमिट करना आपका जो जिसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है वो जो जो ट्रैवल करेगी वो एक समय पे एक बिट ट्रांसमिट करेगी लेकिन पैलर पोर्ट में आपकी मल्टीपल बिट ट्रांसमिट होती है एक समय में सीरियल पोर्ट के एग्जाम्पल है माउस की बोर्ड एंड मॉडम एंड पैर पोर्ट के एग्जाम्पल है स्कैनर एंड प्रिंटर ऑप्शन सी में देखा था ए जी पी ए जी पी भी आपका पोर्ट है इसका पूरा नाम है एक्सेलेटेड ग्राफिक पोर्ट इसका यूज है ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना एंड ए जी पोर्ट इज ऑल्सो यूज फॉर हाई स्पीड वीडियो आउटपुट ए जी पी का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है टू कन्वे दी थ्री डी इमेज मोर स्मूथली इन पी सी थ्री डी इमेज को प्रोड्यूस करता है और इसका काम है ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना और हाई स्पीड वीडियो आउटपुट को प्रोड्यूस करना ट्वेंटी फोर वट इज मेन फोल्डर ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड जो आपका मेन फोल्डर होता है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी के अंदर फर्दर पार्ट होते हैं सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी के अंदर फर्दर फोल्डर बनते हैं लेकिन जो आपके पेरेंट डायरेक्टरी होते हैं उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी ऑप्शन ए में देगा था प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट है मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्लेटफॉर्म में रन करेगा जैसे कि हम बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है उसका मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके किसी भी ऑपरेट सिस्टम में परफॉर्म करेगा प्लेटफॉर्म आपका एक तरह का इन्वायरमेंट है जहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर ने रन करना है ऑप्शन बी में देखा था इंटरफेस इंटरफेस का मतलब होता है कि जैसे यूज़र इंटरफेस हो गया जैसे जियो इंटरफेस है विंडो आपका जियो इंटरफेस है यूज़र को वो किस तरीके से उसका फील हो रहा है जो उसके आइकन जो उसके सॉफ्टवेयर दिए गए हैं दैट इज़ इंटरफेस ऑप्शन डी में देखा था ड्राइव डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट और कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस अटैच होगी उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर में होना इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है जैसे कि हमने माउस यूज़ करना है तो माउस का ड्राइवर सिस्टम पे इंस्टॉल होना जरूरी है जब तक उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपका माउस वर्क नहीं करेगा ऐसे और भी डिवाइसेस है जैसे आपका प्रिंटर है प्रिंटर को भी रन करने के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए और डिवाइस ड्राइवर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कैशे मेमोरी आपका सही आंसर होगा लेकिन कैश मेमोरी से भी जो फास्ट होती है वो आपका रजिस्टर होती है लेकिन यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है इसलिए वी आर गोइंग टू दी ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी कैश मेमोरी आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है और इसकी जो पोजीशन होती है वो सीपीयू और रैम के बीच होती है सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी की प्लेसिंग होती है और इसका मिनिमम साइज़ होता है टू फिफ्टी सिक्स के बी एंड मैक्सिमम साइज़ टू एम बी इसमें वही डाटा इंस्ट्रक्शन रखी जाती है जिसकी ज़रूरत सी पी ओ को बार बार पड़ती रहती है ऑप्शन ए में देखा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी है बी में देखा है रोम रीड ओनली मेमोरी ये भी आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी का पार्ट है रैम आपकी वर्ल्टाइल मेमोरी है एंड रोम आपकी नॉन वर्ल्टाइल है रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है एंड रैम आपकी नॉन परमानेंट है ऑप्शन डी में देखा था मैग्नेटिक कोर मेमोरी मैग्नेटिक कोर मेमोरी आपकी रैम की ही प्री डोमिनेट वर्जन है रैम से पहले इसका यूज होता था और फर्स्ट जनरेशन में आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होती थी सॉरी सेकेंड जनरेशन में आपकी ये मेमोरी यूज होती थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में तो आपके मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर ऑप्शन नंबर बी ये आपका टेन नहीं है ये आपका वन जीरो है बाइनरी नंबर में से दो वैल्यू होती है वन एंड जीरो इसकी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं इसके फ्लोटिंग पॉइंट का यूज है टू स्टोर फ्रैक्शन नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आई यूज टू स्टोर फ्रैक्शन नंबर लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज स्क्रैप्ड ट्वेंटी एट सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इन टू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेकिन यहाँ पे यूटिटी सॉफ्टवेयर का भी नाम दिया गया है इसलिए ऑल ऑफ़ दिस आंसर होगा जो आपका यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो सिस्टम को मेंटेनेंस करने के काम आते हैं फॉर एग्जांपल आपका एंटीवायरस हो गया विंडो डिफेंडर हो गया जो विंडो के जो आपके सिस्टम को मेंटेन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है ट्वेंटी नाइन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज ये दोनों आपकी लो लेवल लैंग्वेज है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर आपका सिर्स सॉफ्टवेयर का पार्ट है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर थर्टी वन प्रोपराइट्री सॉफ्टवेयर इज ऑन एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल कंपनी प्रोपराटी सॉफ्टवेयर आपके और कुछ नहीं बल्कि क्लोज सॉफ्टवेयर सोर्स होते हैं आपके एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स को ये आपके प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं ये आपके लाइसेंस होते हैं और ये आपके ये पेड होते हैं जैसे आपका जो विंडो सॉफ्टवेयर है ये आपका प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर है और ये लाइसेंस होता है इसमें आपको पे करना पड़ता है इसको ही आप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं थर्टी टू वट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बूटिंग बूटिंग का मतलब है सिस्टम को ऑन करना ऑप्शन ए में देखा है कोल्ड बूटिंग और सी में देखा है वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है जब आप सिस्टम को फर्स्ट टाइम रन करेंगे अगर वो पहले से ही ऑफ है उसको आपने ऑन किया डेट इज़ कोल्ड बूटिंग और अगर चलते हुए सिस्टम को आपने अचानक से रिस्टार्ट किया दैट इज वोटिंग थर्टी थ्री द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन सी प्रोसेस शेड्यूलर इज द राइट आंसर ऑप्शन ए में देखा था ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम है टू कीप ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइस जितनी भी डिवाइसेस है उनके स्टेटस का ट्रैक रिकॉर्ड करना ट्रैफिक कंट्रोलर का काम है ऑप्शन बी में देखा था डिस्पैचर और ऑप्शन डी में देखा था जॉब शेड्यूलर जॉब शेड्यूलर का काम है जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है उसको सेलेक्ट करना कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है लेकिन डिस्पैचर का काम है उस सेलेक्ट किए गए प्रोसेस को डिजायर टास्क तक पहुँचाना दैट इज़ उसको सी पी यू कराना जॉब शेड्यूलर प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा कि ये एग्जीक्यूट होगा और डिस्पैचर का काम है उस सेलेक्ट किए गए प्रोसेस को सी तक पहुँचाना या फिर हम कह सकते हैं उसको सी पी अलाउट करना

अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वारीरी भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो नोटिफिकेशन नोट्स पी डी एफ एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ पर अपडेट होते रहता है इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन थैंक यू हैव अ नाइस डे